सांसद सभी गांव तक नहीं पहुंच सकता। काम किसी के करना भगवान के भी लिए भी संभव नहीं। इस मामले में सबसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई है तो वो आप और हम नहीं, ऊपर वाला भगवान है। हम सब कौन हैं? उसी के तो बनाए हुए हैं, उसी भगवान के तो बच्चे हैं, उसी की तो जिम्मेदारी थी। वही हमें घर देगा, वही हमारे बच्चों की पढ़ाई कराएगा, कम से कम दो वक्त की रोटी तो दे ही देगा। आज भी बलिया उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो मिलता है, सुबह बच्चे घर से भूखे आते, शाम को भूखे घर जाते हैं। दोपहर का खाना स्कूल से खाकर जाते हैं, वही ही खाना चलता है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद में कल शाम कबाड़ी बाजार भजन लाल मंदिर में भाजपा कार्यकर्ता ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें कल रात 8 बजे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पहुंचे और उन्होंने यह सब कह दिया। लखनऊ में लड़ाई लड़ती है, पूरी मजबूती से लड़ती है और वहां से काम कराने की एक्सपर्ट है। दिल्ली की जिम्मेदारी आपने मुझे दी, इस बात का जवाब कि सांसद जी आए, मंत्री जी आए, भैया अपने आप को भी तो रखते थे। सांसद कभी गाँव तक पहुँच नहीं सकता, रोजाना मिलता भी हो, किसी का फोन गया होगा तो कॉल बैक भी करता हूँ। काम किसी के करना भगवान के लिए भी संभव नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ अगर इस मामले में अगर कोई है तो हमारा कहीं वो ऊपर वाला भगवान ही। हम सब कौन है? उसी के तो बनाए हुए, उसी के भगवान के तो बच्चे हैं, उसी की तो ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने धरती पर हमें भेजा है तो हमारे लिए घर देता, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी पैसे देता, हमारी जेब खर्ची के इंतजाम करता। कम से कम देश में सब आदमी जो पैदा हुए थे तो 3-2 टाइम की रोटी तो मिल जाती। आज भी बलिया उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील मिलता है वो बच्चे सवेरे घर से भूखे आते, शाम को भूखे जाते हैं, तो दोपहर का खाना इतना खा लेते हैं 24 घंटे खाना चलता है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।